आसित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम् श्री साम परिवर्धकम् धर्म संबंधकम् भव्य जीव मनः प्रतिबोध कारकम् पुण्य प्रकाशकम् पाप प्रणाशक मिदम् शास्त्रम् श्री तत्वार्थ सूत्र नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य शास्त्रम श्री उमा स्वामी देव ब्रचितम् मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मे भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ अपर नाम मोक्ष शास्त्र विराजमान है। इसमें चतुर्थ अध्याय के माध्यम से हम अपनी चर्चा देख रहे हैं। चौथे अध्याय में और तीसरे अध्याय में यदि मैं दोनों को मिलाकर के बात करूं तो जो कल हम अभी तक हमने तीसरे अध्याय में चर्चा देखी तो उस तीसरे अध्याय में प्रारंभ के छह सूत्रों में तो नरक गति का वर्णन था, उसके बाद संपूर्ण रूप से हमने मध्यलोक का वर्णन देखा और अभी जो हमारी चौथे अध्याय के माध्यम से चर्चा चल रही है इसमें हमने भवनवासी बेंतर और ज्योतिषी देवों तक की चर्चा पूरी कर ली है। अब इस संदर्भ में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जो मुख्य रूप से ज्योतिषी देवों के संदर्भ में थे कि ये ज्योतिषी देव हैं तो कैसे भ्रमण करते हैं, क्योंकि कल जो देखा था एक बार मैं उसको कहता हूँ। जरा आप एक बार सूत्र निकाल लीजिए चौथे अध्याय में जहाँ तक हमारी चर्चा कल हो गई है ज्योतिषी देवों को लेकर के, मैं केवल उतनी चर्चा रिपीट करूँगा फिर उसके बाद हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। चौथे अध्याय में पहला जो सूत्र था उस सूत्रों में देवों के चार समूह बतलाए, चार प्रकार बतलाए, उसके बाद कहा कि देवों की अपर्याप्त अवस्था में तो उनकी अशुभ लेस्याएँ भी होती हैं और पीत लेस्या भी होती है, और ये जो बात चल रही है ये प्रारंभ के तीन देवों की मुख्यता से चल रही है, और जब वे देव पर्याप्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी एकमात्र जो शुभ लेस्या में पहली लेस्या है वह नील लेस्या पीत लेस्या उनको होती है, और पीत लेस्या का दूसरा नाम हमने देखा था तेज लेस्या। इसके बाद इन देवों के भेद प्रभेद बतलाए कि दस अष्ट पंच और द्वादश ये इनके भेद होते हैं, इंद्र सामानिक आदि की चर्चा की कि इनमें सब में भेद होते हैं, फिर कहा कि पूर्व के जो इंद्र हैं पूर्व के जो दो देव हैं भवनवासी और बेंतर तो उनमें दो दो इंद्र होते हैं, तो इस प्रकार से हमने एक जो बृहद द्रव्य संग्रह में गाथा आती है भवनालय चालीसा आदि उसकी हमने चर्चा की थी। उसके बाद ये जो चार प्रकार के देव हैं इन चार प्रकार के देवों के हम भेद देख रहे थे, जिन भेदों में जो सबसे पहला भवनवासी देव है उन भवनवासी देवों के दस भेद बताए, बेंतरों के आठ भेद बतलाए, और कल हमने विस्तार से चर्चा करी थी 12 13 14 15 नंबर सूत्र के आधार से कि जो ज्योतिषी देव होते हैं उन ज्योतिषी देवों के पांच भेद कहे, इनमें एक इंद्र एक प्रतिंद्र बाकी ग्रह नक्षत्र तारे आदि होते हैं। तो इस संबंध में आपके बहुत सारे प्रश्न थे तो अभी उन प्रश्नों के आधार से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बतलाया था कि जो जम्मू द्वीप है उस जम्मू द्वीप में दो सूर्य हैं और दो चंद्रमा हैं, और जो ढाई द्वीप है उस ढाई द्वीप में
132 सूर्य और 132 चंद्रमा हैं। सूर्य पहले कहने में आता है लेकिन वास्तव में वो चंद्रमा ले सकते हैं, क्योंकि इनमें मुख्य जो है इंद्र जो है वो कौन है, चंद्रमा है। सूर्य है प्रतिंद्र, सामान्य रूप से सूत्र में भी पहले सूर्य को लिया बाद में चंद्रमा को लिया। तो सूर्य को पहले लेने का कारण तो ये था कि संस्कृत भाषा में जिन शब्दों में अल्प अक्षर होते हैं, कम अक्षर होते हैं, उन्हें पहले लिया जाता है, अधिक अक्षर वालों को बाद में लिया जाता है। इसलिए सूर्य को पहले लिया, चंद्रमा को बाद में लिया। लेकिन इनमें इंद्र तो है चंद्रमा और प्रतिंद्र है सूर्य। तो जम्मू द्वीप में है दो सूर्य और दो चंद्रमा, ढाई द्वीप में है 132 सूर्य 132 चंद्रमा, और ढाई द्वीप के अंदर जो 132 सूर्य चंद्रमा, फिर इनका गुणा कर रहे हैं अपन 28 से तो नक्षत्र आएंगे, ऐसे ही तारे निकलेंगे, सबकी संख्या निकल जाएगी। तो ये सब जो हैं इनमें ध्रुव तारे को छोड़ करके ढाई द्वीप में जितने भी ये ज्योतिषी देव हैं वे मेरु की परिक्रमा लगा रहे हैं। किसको छोड़ करके? ध्रुव तारे को छोड़ करके, मैंने वो ध्रुव तारे भी संख्या में बहुत हैं। अब ये जो ढाई द्वीप में परिक्रमा लगा रहे हैं सुमेरु पर्वत की, तो उससे क्या हो रहा है कि दिन रात का भेद हो रहा है, दिन और रात इससे हो रहे हैं। और कल मैंने आपको ये भी बतलाया था कि ये जो दिन रात का भेद है ये मुख्य रूप से कहाँ होता है कि या तो भरत क्षेत्र में या ऐरावत क्षेत्र में या फिर विदेश क्षेत्र में, यहाँ कर्मभूमि है। बाकी जहाँ कल्प वृक्ष आदि पाए जाते हैं तो वहाँ दिन रात के भेद की बात नहीं है, वहाँ तो कल्प वृक्षों के माध्यम से निरंतर प्रकाश वर्तता रहता है। तो फिर वे गणना कैसे करते हैं काल की? तो वे काल की गणना, हमारे यहाँ जो काल का परिवर्तन हो रहा है इसके आधार से वे काल की गणना करते हैं। इतना हमने कल तक देख लिया था। अब इस संदर्भ में जो आपके प्रश्न थे कि सूर्य परिक्रमा लगा रहा है, पृथ्वी स्थित है, तो मैंने आपको बताया हुआ है वैसे तो कि हमारे यहाँ जो पृथ्वी हैं उनकी संख्या 8 बतलाई है, और उन्हीं में और थोड़े भेद कर दिए तो उनकी संख्या 26 भी बतलाई है। पर वो 26 जो संख्या है वो इन्हीं 8 पृथ्वियों के भेदों की है, कोई अन्य पृथ्वियाँ वे नहीं हैं। ये जो 8 पृथ्वियाँ हैं तो ये कौन सी पृथ्वी हैं कि 7 तो नरक की पृथ्वी और एक ईसत प्रागवार जो सिद्ध शिला है, एक वो पृथ्वी। तो इस प्रकार से 8 पृथ्वियाँ टोटल बतलाई हैं। तो फिर हम पृथ्वी पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका भी आगम में नाम आता है, चित्रा पृथ्वी है वो। तो ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, उस रत्न प्रभा पृथ्वी का ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ हम रहते हैं, जिसका नाम चित्रा पृथ्वी भी आगम में आता है। तो अब ये जो पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जैन धर्म के हिसाब से, तो ये तो अपने स्थान पर स्थित है, इसमें कोई भ्रमणता हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भ्रमणशील कौन है फिर? कि भ्रमणशील है सूर्य। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट भ्रमणशील क्या है? पृथ्वी। सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, और हमारे यहाँ क्या स्थित है कि पृथ्वी स्थित है और सूर्य भ्रमण कर रहा है। अब उनके यहाँ तो विज्ञानों तो ऐसा कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एक तो स्वयं घूम रही है और स्वयं भी घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है, माने एक तो स्वयं घूम रही है चीज और दूसरी फिर वो परिक्रमा कर रही है सूर्य की, डबल डबल उसमें घुमाव हुआ है। और हमारे यहाँ पृथ्वी अपने यहाँ स्थिर है, घूम कौन रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा आदि घूम रहे हैं। ये वैज्ञानिकों में भी, जो आपने बहुत से वैज्ञानिकों के नाम सुन रखे होंगे, उन नामों में बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि पृथ्वी घूमती है। ये वर्तमान में जो आप विज्ञान में पढ़ते हैं, साइंस में जो आपने अभी तक 10th में पढ़ाई की है उसमें आपने पढ़ा है कि पृथ्वी घूमती है, वो केवल एक वैज्ञानिक की मान्यता है। इसके बारे में विस्तार में आज दोपहर में अपन सब जानेंगे। तो ये केवल एक वैज्ञानिक की मान्यता है जो ऐसा मानता है कि पृथ्वी घूमती है, और ऐसे ही अभी कई और वैज्ञानिक हैं जो ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी नहीं घूमती है, अपने स्थान पर स्थित है। केवल एक वैज्ञानिक की मान्यता के अकॉर्डिंग हम उसका पढ़ते आ रहे हैं। कुछ 400 साल पहले वो वैज्ञानिक हुआ है जिस वैज्ञानिक की मान्यता के अनुसार आप लोग साइंस की पुस्तकों में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, बाकी के लोग नहीं मानते हैं। अब दूसरी बात कि पृथ्वी तो अपने स्थान पर स्थित है, सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं,
तो सूर्य चंद्रमा के घूमने से क्या हो रहा है कि दिन रात का भेद हो रहा है। तो फिर दूसरा प्रश्न आप लोगों का ये था कि सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, तो ये जो चंद्रमा घूम रहा है ये घूमते हुए चंद्रमा पर लोग कैसे पहुँचे। तो जैसे अपने भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय जिसे हिंदी में कहते हैं, कहाँ स्थित है वो, दिल्ली में। ऐसे ही अमेरिका में भी एक सुप्रीम कोर्ट होता है और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में है। उस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इस बात के 200 प्रमाण दिए हुए हैं, केस चल रहा है, इस बात के 200 प्रमाण दिए हुए हैं कि अभी तक कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। मैं उस चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूं जो चंद्रमा हमारे जैन दर्शन के अनुसार है, जो चंद्रमा भ्रमण करता है, चंद्रमा तो एक ही है, पर मैं बात कर रहा हूं कि जिसे वैज्ञानिक चंद्रमा मानते हैं उसके तो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है और वो केस हार भी गए हैं जो ऐसा चला रहे हैं ना केस कि चंद्रमा पर गए हैं। नील आर्मस्ट्रांग जो फर्स्ट व्यक्ति जो चंद्रमा पर गया हुआ है वो उसमें वो हार चुके हैं वो लोग वैसे केस उसको। क्यों? क्योंकि वो तर्क देते हैं कि आप जो फोटो बताते हो कि चंद्रमा पर कोई गया है, ये चंद्रमा तो हमारे अनुसार तो क्या है, ज्योतिषी देव है। और वे कहते हैं कि आप जो कहते हो कि चंद्रमा पर कोई गया है तो ये जो वायुमंडल है ये वायुमंडल केवल इस पृथ्वी पर है, अन्य जो ग्रह आदि वे मानते हैं। अब जो ग्रह शब्द मैंने आपको कहा था उसका और मैं आपको बतलाऊं, शायद एक बार पहले आपको बतलाया होगा कितने ग्रह होते हैं, आपने कितने ग्रह पढ़े हैं साइंस में? 8 पढ़े हैं आपने, ठीक है, कोई 8 कह रहा है कोई 9 कह रहा है। ग्रहों की सुन लो, अच्छा पहले अपन अपनी बात करें, जैन दर्शन के अनुसार ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या पूछ रहा हूं मैं, 88, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार टोटल 88 नहीं, एक चंद्रमा के परिवार के ग्रहों की संख्या 88, और चंद्रमा कितने हैं? 2। चंद्रमा कितने हैं? 2। तो ग्रह टोटल कितने हो गए जम्बूद्वीप में? 172, ठीक है, इतने तो हो गए क्या ग्रह कहां पर? जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप के बाहर जहां चंद्रमा की संख्या अधिक बढ़ती गई, 4 हो गए, 16 हो गए, 42 हो गए, 72 हो गए, तो वहां उनके गुणा करना इन सब में कितने का? 88 का, तो उतने ग्रह तो ढाई द्वीप के आ जाएंगे और बाहर तो जो है तो है ही। अब इतने ग्रह तो ढाई द्वीप में हैं और इतने ग्रह जम्बूद्वीप में हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आपने पढ़े हैं 9 ग्रह, जो अभी 10th पास करके आप लोग आए हैं तो आपने पढ़े हैं 9 ग्रह, और मैंने आपको शायद बताया हुआ एक बार कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें पढ़ाए थे 9 ग्रह, आपने पढ़े हैं 8 ग्रह, हमें पढ़ाए थे 9 ग्रह। जब हम पढ़ते थे तब 9 ग्रह पढ़ाए थे, मम्मी जी आपको भी याद होगा, आपने 9 ग्रह याद करे होंगे पहले बचपन में। और अब जब 9 ग्रह पढ़ाए हमें, उसके बाद थोड़ा सा हम साइंस को और देखते थे बाहर जा करके, तो 2 ग्रहों की खोज और कर ली, एक का नाम तो कालरा था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कितने ग्रह हो गए इनके टोटल? 11। फिर वो जो आखिरी आखिरी ग्रह है प्लूटो है, और कौन सा है वो, है ना, क्या नाम उसका, नेपच्यून, हाँ, तो उनको इन्होंने कम कर दिया कि दूर हैं इसलिए उनको कुछ कम कर दिया, तो फिर से इनके बचे 9 ग्रह। अब 9 ग्रह में से अब एक और कौन सा कम कर दिया जो आपको 8 पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, प्लूटो या जो भी, हाँ, तो वो आपको 8 ग्रह पढ़ाए जा रहे हैं। तो इनके तो ग्रहों की संख्या भी वास्तव में फिक्स नहीं है, जबकि अनादिकाल से हमारे अनुसार एक चंद्रमा के परिवार में कितने ग्रह हैं? 88 ग्रह हैं। तो ऐसा थोड़ी कि भगवान आदिनाथ हुए तब 88 ग्रह थे और जब भगवान महावीर हुए तो अवसर अपने काले तो कम हो गए होंगे क्या? नहीं हुए। तो जैसे जब थे तीसरे काल में थे, वैसी चौथे काल में हैं, थे वैसी पंचम काल में हैं और वैसी आगे भी रहने वाले हैं। तो इन ग्रहों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चंद्रमा आदि पर जाने की बात, हम मैं ये बात कर रहा था ना, चंद्रमा पर कोई गया है, तो वहाँ की जो आप फोटो दिखाते हैं कि चंद्रमा पर कोई गया है, तो उसका जो पीछे झंडा है वो झंडा फहरा रहा है, और फहराएगा किससे? कि हवा के माध्यम से। अब वहाँ हवा है नहीं और झंडा फहराए, इसका मतलब क्या है कि आपने जहाँ रिकॉर्डिंग की है उस रिकॉर्डिंग में कोई कूलर पंखा चल रहा होगा, उसकी हवा से वो फहरा रहा होगा। रही बात कि ये वास्तव में गए कहाँ हैं, अगर अपन बात करें कि ये लोग वास्तव में गए कहाँ हैं, तो सामान्य से ये जो हवाई जहाज और रॉकेट आदि के माध्यम से जाना होता है, तो ये अंटार्कटिक आदि बहुत दीप हैं जो हमारी अपेक्षा उनके जो पहाड़ हैं पर्वत हैं वो काफ़ी ऊँचे हैं, और उन पर ये पहुँचे जाते हैं, वहाँ से धूल मिट्टी उठा लाते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा पर जाके आए और मंगल ग्रह पर जा करके आए।
ठीक है, ये मंगल आदि ग्रहों के नाम तो हमारे 88 ग्रहों में हैं, ये जो आपने ग्रहों के नाम पढ़े ना बाकी के, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, तो ये सब ग्रहों के नाम तो हमारे 88 ग्रहों में हैं, लेकिन ये जो ग्रहों पर जाने की बात है वो बात हमारे यहाँ नहीं है। ना तो कोई मंगल पर गया, ना कोई चंद्रमा पर गया, वहाँ वो केस भी हार गए, मैंने आपको ही बतला दिया कि उस फोटो से भी सिद्ध नहीं होता है कि वहाँ गए। अब यदि बात करें जैन धर्म के अनुसार, तो जैन धर्म के अनुसार ये विषय तो थोड़ा सा गौमट सार का ले रहा हूँ मैं एक मिनट के लिए, केवल आपको समझाने के लिए, समझ जाएंगे आप कि जैन धर्म के अनुसार ये जो चंद्रमा है और ये जो सूर्य हैं, ये पहली बात तो विमान है, तो विमान है तो उनमें प्रवेश की बात बनती नहीं है। दूसरी बात, इनमें उष्णता और शीतलता है, तो उष्णता और शीतलता के कारण से भी वहाँ जाना संभव नहीं बनता है। और मनुष्य गति के जीव, अभी हम और आप सभी जो वैज्ञानिक हैं, वो अभी इतना विस्तार नहीं कर पाए हैं कि इन अन्य ग्रहादिक पर जा सकें। ये केवल एकमात्र जगत को भ्रम के माध्यम से घुमाया जा रहा है, वास्तव में अभी तक कोई जीव भी इस पृथ्वी के अतिरिक्त और कहीं नहीं गया है। इसी पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ जा करके ऐसा बतला देते हैं कि हम चंद्रमा अथवा मंगल ग्रह अथवा जो अन्य अन्य ग्रहों पर, अगर आपने सुना हो कि वहाँ गए हैं, तो वास्तव में वहाँ जाने की ऐसी कोई बात नहीं है। कल मेरे से कोई ऐसा भी कह रहा था कि जब मैंने आपको ये बतलाया कि सूर्य और चंद्रमा तो परिभ्रमण कर रहे हैं और यही सूर्यादिक एरावत चित्रादिक में भी जाते हैं, भरत चित्र की अपेक्षा, जम्बूद्वीप की अपेक्षा बात करें, तो कोई मुझसे ऐसा प्रश्न करता है कि मान लो चंद्रमा पर जाना संभव हो, वैसे कोई गए नहीं, मैंने आपको सिद्ध कर दिया, लेकिन कदाचित कोई चंद्रमा पर गया हो और चंद्रमा पर वो 7-8 दिन रुक के भी आए हैं लोग, तो 7-8 दिन वो चंद्रमा पर रहा और वो चंद्रमा भ्रमण करते करते एरावत क्षेत्र पहुँच गया, मान लो वही चंद्रमा, ऐसा प्रश्न था किसी का, और वो फिर लैंड एरावत क्षेत्र में कर दे, तो इसका मतलब तो हम एरावत क्षेत्र में जा सकते हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। अभी हम एरावत क्षेत्र जाने की बात तो बहुत दूर, हम अभी संपूर्ण भरत क्षेत्र में नहीं जा सकते, संपूर्ण भरत क्षेत्र में जाने की बात बहुत दूर, भरत क्षेत्र में भी 5 तो मलिच्छ खंड हैं, 1 आर्य खंड हैं, अभी हम संपूर्ण आर्य खंड में भी नहीं पहुंच पाए हैं, ना जा सकते हैं और ना जाने का ऐसा भी प्रयास करने की कोई बात है। सामान्य रूप से जो विद्याधर आदि होते हैं, अभी आपको पूजन में जो बतलाया था कि बेत और ढाई द्वीप आदि में जैसे वो मानसूदर पर्वत से टकरा करके मरण को प्राप्त हो गए थे, तो बेत ढाई द्वीप में भ्रमण आदि कर सकते हैं, लेकिन हम अभी पूरे भरत क्षेत्र के आर्य खंड में भी पूरे में नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच पाए हैं। और ये जो हमारा एरिया है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जिसे हम गोल कहते हैं, उस गोल पृथ्वी को जो भी पूरा एरिया है वो हमारे अकॉर्डिंग जैन दर्शन के अनुसार 2-3 योजन में पूरी पृथ्वी समाहित हो जाती है, इसलिए आर्यखंड हमारा काफ़ी विस्तृत है, तो वहाँ भी अभी हम नहीं पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से ये ढाई द्वीप में और जो मेरु आदि की परिक्रमा लगा रहे हैं उनकी चर्चा हमने कल करी थी, और उसके बाद में ये जो बाहर के सूर्य चंद्रमा तारिक आदि हैं वे अपने स्थान पर स्थित हैं, ढाई द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्रमा आदि हैं वे अपने स्थान पर स्थित हैं, वे किसी की परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं। तो 15 नंबर का जो सूत्र है, उस 15 नंबर के सूत्र में हमने यही देखा था बहिरवस्थिता, कि जो बाहर के ज्योतिषी देव हैं वे बाहर के ज्योतिषी देव अपने स्थान पर स्थित हैं, वे किसी की परिक्रमा आदि नहीं लगा रहे हैं। तो ये लगभग मेरी कुछ चर्चा थी जो सामान्य आपको कॉमन चर्चा आपको बतानी थी जैन धर्म के और साइंस के परिप्रेक्ष्य में। इस संदर्भ में अगर आपका कोई प्रश्न तो आप ये भी पूछ सकते हैं, केवल जैन धर्म और साइंस के संदर्भ में, हमारे जैन धर्म के अनुसार और जो साइंस आप पढ़ते हैं उसके अनुसार थोड़ा सा जो अंतर है वो मैंने आपको स्पष्ट किया। हाँ भाई बाबा बोलिए। इनका जब जाने का है ही नहीं है तो फिर प्रश्न बनता ही नहीं है। अपन ने तो ये समझ लिया कि जाने का इनका है ही नहीं है, तो ऐसा प्रश्न बनने की कोई बात ही नहीं है कि वो उनमें चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी रहने दो आप, अभी मैं थोड़ी सी आगे चर्चा करता हूँ। धातु खंड आदि की व्यवस्था में ये सूर्य चंद्रमा आदि हैं और वहाँ उनकी संख्या 72 है, जो जम्बूद्वीप में 2 है, पुष्करार्ध में 72 है और धातु खंड में 46 है। तो इस प्रकार से अलग अलग द्वीपों में, समुद्रों में उनकी संख्या है सूर्य चंद्रमा की, वो हमने कल पढ़ी ही थी, तो वो संख्या है। तो इस प्रकार से ये जो ज्योतिषी देव हैं
इन ज्योतिषी देवों का वर्णन यहाँ पर पूरा होता है। जरा आप अगले दो तीन सूत्र और हम देखेंगे। आप सूत्र नंबर निकालिए, 16 है, पेज नंबर है 188 पेज पर आप निकालिए। जरा 16 नंबर का सूत्र है, आप बोलेंगे मेरे बाद में, वैमानिकः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च उपर्युपरि। अब देखिए आप जरा, अभी तक तीन देवों की चर्चा यहाँ पूरी हो गई है, भवनवासी की, बेंतर की और ज्योतिषों की। यहाँ चर्चा कर रहे हैं बेईमानिकों की। तो लिखा सूत्र में बेईमानिकः कि अब यहाँ से एक तो बेईमानिकों की चर्चा प्रारंभ हो रही है, और बेईमानिक कौन है कि जो विमान में निवास करते हों वो हैं बेईमानिक। बेईमानिक कौन? जो विमानों में निवास करते हों देव, बेदेव क्या कहलाएंगे? बेईमानिक। अब जो बेईमानिक देव हैं, उन बेईमानिक देवों के दो भेद बतलाए, दो प्रकार बतलाए, एक कल्पोपन्न और दूसरा कल्पातीत। कल्पातीत और कल्पोपन्न, नीचे आप देखिए जरा, ये कल्पोपन्न और कल्पातीत क्या होते हैं, इसी पेज पर आप नीचे देखिए। ये बेईमानिक देव दो प्रकार के होते हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जहां इंद्र सामानिक आदि की कल्पना होती है, उन 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं, और जहां इस प्रकार की कल्पना या भेद नहीं है, सभी एक समान ही हैं, सभी अहमिंद्र ही हैं, उन नव ग्रेवेक, नव अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों को कल्पातीत कहते हैं। कल्पना अर्थात भेद, कल्प मतलब भेद। तो भेद किसके होते हैं? तो हमने देखा था सूत्र में कि 10 प्रकार के भेद होते हैं, सामानिक, त्रैस्थिन, पारिषद, आत्मरक्ष आदि आदि। तो ये जो 10 प्रकार के भेद जहां हों, वे तो हैं कल्पोपन्न और अतीत माने उससे रहित, कल्प से रहित तो कल्पातीत, कल्प मतलब भेद, तो भेद से जो रहित हैं, ये जो 10 प्रकार के भेद हैं, इन 10 प्रकार के भेदों से जो देव रहित हैं, बेदेव क्या हैं? कल्पातीत हैं। तो जो 16 स्वर्ग हैं, उन 16 स्वर्गों में रहने वाले देव तो हैं कल्पोपन्न, क्योंकि जो 16 स्वर्ग हैं, उन 16 स्वर्गों में ये 10 प्रकार के भेद होते हैं, इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंस, आत्मरक्ष आदि आदि। ये जो 10 प्रकार के भेद कहे हैं, ये 10 प्रकार के भेद 16 स्वर्गों में होते हैं। उनके ऊपर जो 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान हैं, उनमें ये भेद नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कहा कल्पातीत। लेकिन 16 स्वर्गों के देव भी विमान में रहते हैं, ऊपर के देव भी विमान में रहते हैं, तो हैं तो सब बेईमानिक, लेकिन भेद होने की अपेक्षा भी कल्पोपन्न और भेद नहीं होने की अपेक्षा भी कल्पातीत कहलाते हैं। अब इसके बाद अगले सूत्र में लिखा, अच्छा ये जो भेद हैं, जहां 16 स्वर्गों में जहां भेद हैं, तो वहां तो क्या है कि भेद होने के कारण से इंद्र आदि आदि की व्यवस्था है, माने इंद्र तो केवल एक होगा, बाकी के अन्य अन्य होंगे, प्रजाजन भी होंगे, क्लेवशक सब होंगे। ऊपर भेद नहीं है तो सब ही इंद्र होते हैं, भेद नहीं है, सब अपने आप में बड़े, अपने घर के राजा इंद्र होते हैं। तो इंद्र होते हैं तो वे कहलाते हैं अहम इंद्र। क्या कहलाते हैं? अहम इंद्र, अहम इंद्र, अहम इंद्र। और यहाँ क्या है कि यहाँ इंद्र भी हैं, सामानिक भी हैं, त्रायस्थिंस भी हैं, पारिषद भी हैं, आत्मरक्ष भी हैं, लोकपाल भी हैं, अनेक भी हैं, प्रकीर्णक भी हैं और किल्वेशक भी हैं। तो इस प्रकार से इनके हो गए भेद। तो ये तो भेद होने के कारण से सब इंद्र आदि कहलाएंगे, और जहाँ इंद्र आदि के भेद नहीं हैं, सभी इंद्र हैं, अपने अपने सब स्वामी हैं, तो भी कहलाते हैं अहम इंद्र। फिर कहा उपरी उपरी, इसका अर्थ क्या है? देखिए आप जरा अगले नेक्स्ट पेज पर कि ये जो 16 स्वर्ग और नवग्रेवक आदिक हैं, ये सभी कैसे हैं कि ऊपर ऊपर की ओर हैं। नरक के बारे में हमने एक शब्द पढ़ा था, क्या था वो शब्द? नरक के बारे में ऐसे ही कोई शब्द था, क्या था वो? और स्वर्गों के लिए क्या है? ठीक है, नरकों के लिए था अधो अधा, अधा अधा, अधोधा, नीचे नीचे। नरक कैसे हैं कि नीचे नीचे हैं, और स्वर्ग कैसे हैं? ऊपर ऊपर हैं। पर एक बार मैंने आपको बोर्ड पर इनमें थोड़ा सा अंतर समझाया था, ध्यान है कि जो नरक हैं वे तो एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसे हैं, लेकिन जो स्वर्ग हैं
विश्व स्वर्ग ऐसे एक के ऊपर एक नहीं है, माने पहला जो स्वर्ग है सौधर्म स्वर्ग उसके ऊपर दूसरा नहीं है, उसके बराबर में है, तीसरा चौथा ऊपर है, पांच छठा ऊपर है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा अंतर है, फिर भी अपेक्षाकृत है तो ऊपर ऊपर, एक युगल से दूसरा युगल ऊपर, दूसरे से तीसरा युगल ऊपर, फिर उनके ऊपर नौ ग्रेवेक, नौ अनुदेश, पांच अनुत्तर विमान, उन पांच अनुत्तर विमानों में भी ऐसा ही है, दो दो का युगल और जो अंतिम सर्वार सिद्धि है वो सर्वार सिद्धि सबसे ऊपर। तो इस प्रकार से उनमें अंतर है। तो माने अधोधाम में तो एकदम नीचे नीचे, पर ऊपरी ऊपरी में ऐसा एकदम ऊपर ऊपर नहीं, ये हमें समझना चाहिए। अगला जो 19वां सूत्र है, इस 19वें सूत्र में केवल 16 स्वर्गों के नाम बतलाए हैं। स्वर्ग कितने हैं और देव कितने हैं स्वर्गों में? आवाज़ नहीं आ रही। 16 स्वर्ग कितने हैं और देव कितने हैं? तो वो आपको बतलाया हुआ है कि 16 स्वर्गों में 12 देव कैसे हैं। देव 12 मतलब उनके इंद्र, इंद्र कितने? 12। तो बीज 16 स्वर्गों के 12 इंद्र हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं स्वर्गों के नामों की, विमान के नाम समझ लीजिए आप, स्वर्गों के नाम समझ लीजिए आप। तो इस सूत्र में तो जो 16 स्वर्ग हैं उन 16 स्वर्गों के नाम बतलाए हैं, और उन 16 स्वर्गों में जो इंद्र है उनके नाम भी इन्हीं स्वर्ग के नाम के आधार से हैं। तो इस सूत्र को बोल करके अभी काम वैसे अपना पूरा करेंगे। पहले मैं इसका विच्छेद करते हुए पूरा बुलवा रहा हूँ, फिर हम बाद में संधि करते हुए बोलेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक एक नाम स्पष्ट ख्याल में आ जाए। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहिंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, ये यहाँ पे इनके 16 नाम पूरे हुए। वो सहस्रार स्वानत लिखा था ना, तो वो बहुवचन के लिए सप्ति व्यक्ति का बहुवचन लगाया हुआ था। और हाँ, आरण और अच्युत, आरण अच्युत, तो ये तो हुए उनके 16 स्वर्गों के नाम। इसके बाद लिखा हुआ है नवसु, ग्रेवेक केसु, विजय, बैजयंत, जयंत, अपराजितेशु, सर्वार्थ सिद्धौच। अब थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं सूत्र को, उस हिसाब से बोलेंगे। सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहिंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रा रेस्वानत, सतार सहस्रा रेस्वानत, प्राणत, योरा प्राणतयो है, वो शब्द क्या है? प्राणतयो। फिर लिखा हुआ है आरणा, अच्युत, तो ये शब्द बन गया रारणाच्युत, और बाद में च्युतियोर है, वो क्या है? च्युतियोर, तो रारणाच्युतियोर, नवसु, ग्रैवेकेशु, विजय, बैजयंत, जयंता पराजिता, एक मिनट पूरा बोल रहा हूँ मैं, विजय बैजयंत जयंता पराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौच। तो इसमें 16 स्वर्गों के नाम बतलाए जो अभी मैंने आपको बतला दिए हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 अनुदेश, 9 ग्रीवेक, 9 अनुदेश हैं, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। इनका आगे चर्चा हम विस्तार से करेंगे, बस इस सूत्र की चर्चा मैं कल भी करूँगा। इसमें पहले 16 स्वर्गों के नाम बतलाए, 16 स्वर्गों के नाम बतलाने के बाद तो लिख दिया ग्रैवेकेशु, नव ग्रैवेकेशु, फिर विजय, बैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 विमानों के नाम अलग बतलाए। 5 अनुत्तर विमान हैं, उनमें से 4 विमानों के नाम अलग बतलाए, और अंतिम जो सर्वार सिद्धि है उसका नाम अलग बतलाया। तो उसका कारण ये है कि ये जो विमान हैं इनकी अभी आयु का कथन आगे आएगा। तो ये जो 4 विमान हैं, इन 4 विमानों में तो जो आयु है वो जघन्य और उत्तम के भेद से 2 प्रकार की है, लेकिन जो सर्वार सिद्धि जो अंतिम विमान है उस अंतिम विमान की आयु एक ही आयु है, जघन्य और उत्तम का उसमें भेद नहीं है, उसमें केवल एक 33 सागर की आयु है। जो आपने सुना है ना कि स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर,
वो सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा है। तो 33 सागर उत्कृष्ट आयु है इसलिए इसको अलग लिया। दूसरा कारण, ये जो चार विमान हैं अनुत्तर विमान, इन चार अनुत्तर विमानों के जीव द्विभव अवतारी होते हैं, माने वहाँ से मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे, मनुष्य पर्याय को धारण करके फिर से यहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ से मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे तब मोक्ष जाएंगे। लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, वे सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भव अवतारी होते हैं, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि से जैसे ही वो मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे वहाँ से अलग होकर के उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। आदिनाथ भगवान की पूजन में हम पढ़ते हैं सर्वार्थ सिद्धि तय चाहिए मरु देवी उराए, तो वे सर्वार्थ सिद्धि से माता मरु देवी के गर्भ में आए। तो इस प्रकार से जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं वे सर्वार्थ सिद्धि के देव स्वर्ग से माने सर्वार्थ सिद्धि से चित होकर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चार विमानों में और एक अंतिम विमान में अंतर रहता है, इसलिए सर्वार्थ सिद्ध उच्चा ऐसा अलग से लिखा हुआ है। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष कल चर्चा कल करेंगे।